आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने हैं? दो दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, यूज्ड बिफोर नाउन्स, जितने भी नाउन्स हैं उनके पहले ये आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं. थ्री आर्टिकल्स, देर आर थ्री आर्टिकल्स, ए एन और द, तीन आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, ए एन और द, इसको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है आर्टिकल्स को. ओके, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देर? देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. ओके, वन नंबर इज डेफिनाइट आर्टिकल. डेफिनाइट आर्टिकल सिर्फ एक है, द को बोला जाता है डेफिनाइट आर्टिकल. ओके, सेकेंड नंबर इज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ए और एन को इनडेफिनाइट आर्टिकल्स बोला जाता है. क्यों डेफिनाइट और इनडेफिनाइट बोलते हैं वो भी हम लोग आगे जानेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स दो हैं, ए और एन. ओके, डिपेंड्स ऑन प्रोनंसिएशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन हिंदी. देखो, ये जो ए और एन हैं ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोनंसिएशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन हिंदी. हिंदी में जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के प्रोनंसिएशन होते हैं उस पे ये डिपेंड करते हैं कि कहाँ हमें ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है. ओके, आप लोग सभी नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ए ई आई ओ यू दीज आर वॉवल्स, है ना, और इनको छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे. ठीक है, कॉन्सोनेंट में. लेकिन यहाँ जो हिंदी में अ आ ई ई, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको स्वर कहते हैं. इट मीन्स ये क्या है? वॉवल्स हैं. एंड व्यंजन कौन से हैं? क ख ग घ जितने भी हैं, य र ल व. ठीक है, ये ज्ञ तक होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? दीज आर कॉल्ड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. ये इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं हम लोग. ये इन्हें इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एज दे रेफर इन जनरल टू अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग. क्योंकि ये जनरल यूज़ होते हैं किसके लिए? पर्सन, एनिमल्स या फिर थिंग. ठीक है, सामान्य चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो एग्ज़ाम्पल देखोगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा. अ हाउस मीन्स एनी हाउस. अगर हम लोग अ हाउस लगाए हैं, हाउस के आगे अगर अ लगाए हैं, इट मीन्स कि कोई भी हाउस के बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है, अ गर्ल मीन्स एनी गर्ल. एन अम्ब्रेला मीन्स एनी अम्ब्रेला. ओके, एन एप्पल मीन्स एनी एप्पल. देखो यहाँ पे जो है एप्पल, ए, यहाँ प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है? ए का, है ना, ए. तो ये क्या हो जाएगा? वॉवल्स हैं, है ना, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? एन होगा, एन एप्पल, है ना. एन अम्ब्रेला, अ अ अ से हो रहा है प्रोनंसिएशन. ठीक है, ये भी क्या है? स्वर है, है ना, इट मीन्स वॉवल्स हैं, तो क्या हो जाएगा? एन होगा. फिर जी गर्ल, ग क ख ग, है ना, गर्ल हो रहा है. यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ए यूज़ करेंगे. अ हाउस, ह ह, ये किस में आ जाएगा? व्यंजन में. ठीक है, ह, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे. ध्यान से देखोगे आप लोग, जो वॉवल्स हैं हिंदी में उनके आगे क्या यूज़ करेंगे? एन. और हिंदी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं क ख ग घ, इनका जो प्रोनंसिएशन है उनके आगे क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें हम लोग. नेक्स्ट, ए इज़ ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगेन विथ अ वॉवल बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड. देखो, ए सिर्फ कॉन्सोनेंट के आगे नहीं लगाते हैं, बल्कि अगर साउंड अगर उसका कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे भी हम लोग यूज़ ए करेंगे. कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग. ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन. यहाँ पे ई जो है वो क्या है हम लोग का इंग्लिश में? वॉवल है ये. ओके, वॉवल यूज़ हुआ है, बट इसका जो प्रोनंसिएशन है य, यूरोपियन हो रहा है य. ओके, य हिंदी में ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट है एक, है ना, क ख ग घ इसमें आ जाएगा ना य. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यहाँ ये ई है, वॉवल है, बट यहाँ पे हम लोग एन यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ इसका जो प्रोनंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट है.
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कट की हूँ मैं, देख लेना आप लोग। यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी विथ ऑल फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी विथ ऑल फैसिलिटी, तो यूनिवर्सिटी के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वावल है, बट इसका जो प्रोनंसिएशन है य, यूनिवर्सिटी य है ना, तो य प्रोनंसिएशन, क्योंकि ये किस चीज़ का प्रोनंसिएशन है, कॉन्सोनेंट का, ओके, दैट इज़ वाई यहाँ क्या लगेगा, अ यूनिवर्सिटी, ओके, एन नहीं लगेगा बिकॉज प्रोनंसिएशन इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस तीसरा देखो, दैट इज़ ब्लैंक यूनियन स्टेट, दैट इज़ ब्लैंक यूनियन स्टेट, यहाँ पे भी ये वावल है इंग्लिश में, बट यहाँ पे एन यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, यूनियन य है ना, ये भी कॉन्सोनेंट का प्रोनंसिएशन है, सो यहाँ पे भी ए यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए होगा, ए यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ यूनियन स्टेट। और अगर किसी चीज़ को हम लोग पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि यस, किसी को दिखा रहे हैं कि ये यूनियन स्टेट है, तो यहाँ पे हम लोग द भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी हम लोग ए और एन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, देखो, दिस इज़ ब्लैंक वन रुपी नोट, यहाँ पे देखो वन रुपी नोट, दिस इज अ लगेगा या फिर एन लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, वावल है, लेकिन वा वन ऐसे हुआ होता है ना, वन ये जो है ये वावल है या कॉन्सोनेंट है, इसका वावल या कॉन्सोनेंट मत देखिए, ठीक है, हिंदी में ये वावल यूज़ हो रहा है या कॉन्सोनेंट, ये देखना है आपको। ओके, ये जो प्रोनंसिएशन है वन, ओके वन, तो यहाँ पे व जो है वो कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, अ, ठीक है, दिस इज़ अ वन रुपी नोट। Do you have blank uniform? Do you have blank uniform? यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, य साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड, सो यहाँ पे अगेन ए यूज़ होगा। ठीक है, सिक्स नंबर देखिए, दैट वॉज ब्लैंक यूजलेस गेम, यू अगेन यू आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अ, दैट वॉज अ यूजलेस गेम। ठीक है, तो ए और एन आप लोग समझ गए, एन सिंपल सा बात है, यहाँ जहाँ पे प्रोनंसिएशन वावल का होगा वहाँ हम लोग एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, एन इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगन विथ अ कॉन्सोनेंट बट हैव अ वावल साउंड, एन कहाँ यूज़ होता है वो देखते हैं हम लोग। ओके, एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगन विथ अ कॉन्सोनेंट बट हैव अ वावल साउंड। देखो, एन कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे यहाँ पे आवर, इसको हम लोग क्या प्रोनंसिएशन करेंगे, आवर, ये कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, ये कॉन्सोनेंट है, बट हिंदी में कैसे प्रोनंसिएशन करेंगे, आवर, ओके, अ है ना, ये आपका वावल हो गया हिंदी में, है ना, दैट इज़ वाई यहाँ वावल है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज़ करें, एन आवर। ओके, नेक्स्ट इज शी इज़ ब्लैंक ऑनरेबल लेडी, शी इज़ ऑनरेबल, अ से स्टार्ट हो रहा है प्रोनंसिएशन, अ, एंड अ इज़ अ वावल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑनरेबल, है ना, शी इज़ एन ऑनरेबल लेडी। नेक्स्ट इज दे वेंट आफ्टर ब्लैंक आवर, दे वेंट आफ्टर आफ्टर एन आवर, अ वावल है ना, तो वावल के वावल प्रोनंसिएशन के आगे एन यूज़ करना है एंड कॉन्सोनेंट प्रोनंसिएशन के आगे ए यूज़ करना है, समझ में आया।